गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तुसी कल वाली वीडियो देखी होएगी आपां कार्यशील डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड उनके कुछ पॉइंट विच रह गए सीगे ठीक है ते उनके जिहड़े पॉइंट्स है सो अज आपां कंप्लीट करांगे। कल आपां कीता सी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड दे विच पहला पॉइंट कीता सी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आ देखो तुसी नोट कर लो कल वाली वीडियो दे विच तुहानू क्लैरिफाई नहीं ना हो रहा सीगा थोड़ी वीडियो च प्रॉब्लम सी आ नोट कर लो ठीक है। उस तो बाद आपां दूसरा पॉइंट कीता सी इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्लीयर हो गया सी जिंदे अंडर आपां कंज्यूमर इनकम ऑफ द कंज्यूमर दे अंडर एक पॉइंट पढ़िया सीगा रियल इनकम कि प्राइस दे इनक्रीज होण ते अपनी इनकम सेम रहण ते अपनी रियल इनकम किवें डिक्रीज़ हो जाती है ठीक है। उस तो बाद आपां कल पढ़िया सी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विस कॉम्पलीमेंटरी गुड्स सब्जीट्यूट गुड प्रोडक्ट। कॉम्पलीमेंटरी गुड्स ज कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट कि जड़े एक दूजे तो बिना अधूरे जिमें सैल तो रिमोट की है सैल तो बिना अधूरा वै कार है लेकिन विच पेट्रोल नहीं है पेन है लेकिन विच इंक नहीं है तो इन्दे विच आपां की स्टडी की सी कि इन्दे विच एक दी प्राइस दे डिक्रीज होने जेकर एक प्राइस दी प्रोडक्ट दी की है प्राइस घट जाती है तो उनका जिहड़ा कॉम्पलीमेंट है उनकी सेम प्राइस से भी उनकी जिहड़ी डिमांड वो की है वध जाती है ठीक है। क्यों क्योंकि जेकर सपोज पेन की जेकर प्राइस घट जाती है तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी जे पेन की डिमांड बढ़ी तो पेन का कॉम्पलीमेंटरी कौन है इंक है तो इंक की डिमांड भी बढ़ जाएगी बट इंक की प्राइस सेम रहती ठीक है। दोस्तों उस तो बाद पढ़िया सब्जीट्यूट गुड्स सब्जीट्यूट गुड्स की आ गया सी इन्दे विच पढ़िया सी कि एक दी प्रोडक्ट की डिमांड सॉरी प्राइस इनक्रीज होने सपोज टी एंड कॉफी टी की प्राइस वधन ते डिमांड किंदी वध जाएगी कॉफ़ी की क्योंकि टी की प्राइस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो टी की जिहड़ी प्राइस ज़्यादा होने उनकी डिमांड की है घट जाएगी जे टी की डिमांड घट जाएगी तो डिमांड किंदी वध जाएगी कॉफ़ी की एट सेम प्राइस क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस में कोई चेंजेस ना हुए सिर्फ किंदी प्राइस चेंज होया टी की दोवें एक दूजे के की ने सब्जीट्यूट्स लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोवें सब्जीट्यूट्स होने चाहिए है ये कि एक पास तुम टी लै रहे हो दूसरे पास तुम कोई कोल्ड ड्रिंक लै रहे हो क्योंकि दोवों का तो आपस में कोई लिंक नहीं ना कोई गर्म पीना चाहता है वो ज़्यादा टी भी पिएगा या कॉफ़ी पिएगा जो आप कोई कोल्ड ड्रिंक वाला पीना चाहते तो कोल्ड ड्रिंक अपना टेस्ट भी होंगे वे ये आप पढ़ा एक्सपैक्टेशन भी आएंगे ही ठीक है। लेकिन आप इन यही मन के चलेंगे कि दो प्रोडक्ट जिन्होंने आप एक दूजे जगह पर की है रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है। हाँ कल आप किया सब्जीट्यूट प्रोडक्ट की मैं डायग्राम करवाती सी कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट की की डायग्राम सी जी सी रह गई सी ये डायग्राम वैसे आप जो डिटरमिनेंट्स करेंगे उदो नहीं करेंगे लेकिन ये थोड़े अलग तो टॉपिक आएंगे जिम्मे कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट अलग तो क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन फोर मार्क्स के तो फिर तुम कला इन्ना ही लिखना सफिशेंट नहीं है ना तो उन्हें फिर की है अपनी एक डायग्राम भी की है बनानी पेगी इस तरह सब्जीट्यूट प्रोडक्ट के की है जो तुम फोर मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तुम्हें एक डायग्राम भी नाल देनी पेगी इसे करके मैं तुम्हें डायग्राम्स करवा रही हूँ बुक के नहीं है पर तुम कर लियो ठीक है। फ्रेंड्स अज आप डायग्राम करा कॉम्पलीमेंटरी गुड्स की उस तरह ही टू लाइनस हो ठीक है। इतने आप लवेंगे एक्स कैपिटल लैटरस इतने आप लवेंगे वाई इतने लवेंगे ऑक्स इतने लवेंगे प्राइस कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट है तुम एक पास पेन ले लो प्राइस ऑफ पेन ठीक है। इतने आप लवेंगे क्वांटिटी ऑफ पेन की होया जो पेन की प्राइस इन्नी सी तो आप इनकी क्वांटिटी किन्नी लै रहे सी ओ क्यू ठीक है प्राइस ओ पी जो प्राइस ओ पी सी तो असं इनकी क्वांटिटी लै रहे सी ओ क्यू हूँ की होया कि प्राइस की जड़ी हैगी है पेन की जी प्राइस वो वध गई जेकर पेन की प्राइस वध गई तो इन की होया कि पेन की आप डिमांड घटा देंगे आप दोवें सेम प्रोडक्ट लै रहे ना कि जेकर पेन की प्राइस वध जाती है पेन की प्राइस ओ पी तो वध के ओ पी वन हो जाती है तो इनकी जी डिमांड सी पहला कि कर रहे आप ओ क्यू हूँ कि करा ओ क्यू वन घट गई ठीक है। पेन की प्राइस वधन से पेन की डिमांड घट गई तो हूँ इनका जो कॉम्पलीमेंटरी है इंक उनकी डिमांड से की इफेक्ट पेगा ठीक है की इफेक्ट पेगा भाई देखते हैं हूँ एक्स वाई जीरो प्राइस प्राइस ऑफ इंक क्वांटिटी ऑफ इंक कहते ने जेकर पेन की प्राइस वध गई तो उनकी डिमांड घट गई तो पेन का जरा कॉम्पलीमेंटरी है इंक उनकी डिमांड पर की इफेक्ट पेगा एट अ सेम प्राइस पहला पहला बोलेंगे इनिशियल स्टेज कड़ी सी ये आप प्राइस कर रहे थे ओ पी तो डिमांड से ओ क्यू हूँ की होया कि पेन की प्राइस वध गई पेन की प्राइस वधन से ठीक है पेन की डिमांड घट करती जेकर पेन की डिमांड घट है तो नैचुरली गल है कि आप इंक की डिमांड भी घटा देंगे सेम प्राइस से इंक की डिमांड की है घट गई इन्नी डिमांड की है घट गई हूँ कितनी होगी ओ क्यू वन एक्सप्लेनेशन से तुम की लिखोगे कि पहला की सी ओ एक्सिस से असं की लै रहे हैं क्वांटिटी ऑफ इंक
ओ वाई ते की लै रहे हैं प्राइस ऑफ इंक। इनिशियल दे विच स्टार्टिंग दे विच की सी प्राइस ओ पी सी ते क्वांटिटी सी किन्नी लै रहे सी इंक दी ओ क्यू। पर जद की होया कि पेन दी प्राइस वधन ते पेन दी डिमांड घट गई जिंदे करके इंक उहदा कॉम्पलीमेंटरी होण करके उहदी प्राइस भी की इंक दी क्वांटिटी की है घट गई। ठीक है, ए सी तुहाडी कॉम्पलीमेंटरी गुड्स की डायग्राम। ठीक है, इनकी स्लोप कड़ी हो जाएगी इस तरह। ठीक है, ये की हो जाएगी पहला इनिशियल स्टेज कड़ी सी आ वाली डी डी कव, हूँ डी डी वन तो यह शिफ्ट होकर कड़ी होगी डी वन वन। ठीक है, इन की सी कि जी प्राइस से पहला किनी सी ए पॉइंट पर सी, हूँ कि पॉइंट पर पहुँच गई बी की, यानी कि मूव कर गई डिमांड कव की है ए पॉइंट तो बी पॉइंट पर मूव कर गई। इन की होया कि कॉम्पलीमेंटरी गुड्स इंक से की इफेक्ट पिया कि डिमांड कव डी डी तो शिफ्ट कर गई डी डी वन। क्लीयर, आई होप तुहानू कॉम्पलीमेंटरी प्रोडक्ट के सब्जीट्यूट प्रोडक्ट समझ आ गए होंगे। तुहाडे लई सारा कुछ नवां है, एक बार तो शायद तुहानू नहीं समझ आएगा, तुसीं वीडियो नू एक दो बार ध्यान नाल सुनो, इहनू समझण की कोशिश करो, तुहानू सारा क्लीयर हो जाएगा। नहीं भी क्लीयर होया तां कोई गल नहीं, मैं हैगी हाँ। ठीक है, मैं तुहानू दुबारा क्लीयर करवा दूंगी। जे तुहानू कोई भी प्रॉब्लम आती है तुसीं मैनू परसनली मैसेज कर सकते हो, तो मैनू जदों मर्जी तुसीं मैसेज करके अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हो। बट तुसीं की है मैनू 7 बजे तो बाद ईवनिंग 7 o'clock तो बाद तुसीं ना ही मैनू मैसेज करोगे ना ही तुसीं मैनू कॉल करोगे। 7 बजे तो पहला तुसीं मैनू जदों मर्जी मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं नाल दी नाल तुहाडा रिप्लाई करूँगी। क्लीयर, उस तो बाद सी अपने पॉइंट कंज्यूमर एक्सपैक्टेशंस। हुण इहदा डिमांड दे नाल की रिलेशन है, कंज्यूमर एक्सपैक्टेशंस दे विच की आएगा कि कंज्यूमर एक्सपैक्टेशन भी कंज्यूमर नू की एक्सपैक्टेड है, एक्सपैक्टेशन ऑफ ए हायर इनकम और एक्सपैक्टिंग एंड इनक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ गुड विल लीड टू एन इनक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। की कहते हैं एक्सपैक्टेशन, जे कंज्यूमर नू लगता है कि मेरी इनकम की है हाई हो जाएगी, हुण मेरी इनकम वध गई तो प्राइस इनक्रीज होने तो अपनी डिमांड नू वधा देगा। जे कंज्यूमर नू ए एक्सपैक्टेशन हो रही है कि मेरी आने वाले टाइम दे विच मेरी इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो घट प्राइस से भी अपनी डिमांड नू घटा देगा। जे आपनू लग रहा है कि अगले नैक्सट मंथ आपनू सैलरी घट मिलेगी, चाहे अजे प्राइस घट है फिर भी आप अपनी डिमांड नू की है घटा देंगे। ठीक है, ए सी कंज्यूमर एक्सपैक्टेशंस, एक्सपैक्टेशन ऑफ ए हायर इनकम और एक्सपैक्टिंग एज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड विल लीड टू एन इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड। सिमिलरली एक्सपैक्टेशन ऑफ रिड्यूस इनकम, इसी तरह ही जेकर उन्होंने एक्सपैक्टेशन है कि रिड्यूस इनकम की रिड्यूस हो जाएगी और ए लोअर इन प्राइस ऑफ गुड्स तक उनकी घट प्राइस से भी विल डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड, वो अपनी डिमांड की है घटा देगा। उस तो बाद लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ बायर इन द मार्केट। हम देखो ये डिमांड को किवें इफेक्ट करेगी, तुसी अपना दिमाग लगाओ सोचो, पहला मैनू सुनने तो पहला तुसी अपनी जिहड़ी हैगी वीडियो नू रिज्यूम करो तो सोचो कि डिमांड नू किवें इफेक्ट करेगी। उस तो बाद तुसी वीडियो नू दुबारा कंटिन्यू करियो, खुद तुसी आप भी सोचो तुहाडी एक्सपैक्टेशन कितों तक जाती है। देखो नंबर ऑफ द बायर्स इन द मार्केट, जे मैं तुहानू फेस टू फेस पढ़ा रही हूँ जां रेगुलर क्लासिस लग रही हूँ तो यह क्वेश्चन पहला मैं तुहानू पुछदी कि डिमांड नू किवें इफेक्ट करेगी, बट हुण मैं तुहानू पूछ नहीं ना सकदी, पर तुसी तुहाडे लई यही हैल है, तुसी अपने लई थोड़ा टाइम इहनू रिज्यूम करो तो सोचो कि किवें नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट दे विच डिमांड नू इफेक्ट करनगे। किवें, जिन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होंगे उन्नी ज़्यादा प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा होएगी, नंबर ऑफ बायर्स घट होंगी तो डिमांड भी की हो जाएगी घट जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स जिन्ने ज़्यादा होंगे डिमांड उन्नी ज़्यादा, कड़ा रिलेशन हो गया डायरेक्ट रिलेशन। द नंबर ऑफ बायर्स हैज़ ए मेजर इफेक्ट ऑन द टोटल और नैट डिमांड। नंबर ऑफ बायर्स की है कि इफेक्ट पाते हैं टोटल डिमांड पर, एज द नंबर इनक्रीज द डिमांड राइज, राइज मतलब वधना, जेकर नंबर ऑफ बायर्स इनक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड भी राइज हो रहे हैं। तो अगे की है फरदर मोर दिस इज़ ट्रू इरिस्पैक्टिव ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो की हो गया कि फर्दर मोरस की हो जाएगा, दिस इज ट्रू इरिस्पैक्टिव ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस दे की है, चाहे प्राइस चेंज हो रही है, कमोडिटी की प्राइस जिन्ना मर्जी चेंज हो जाए प्राइस बढ़ रही है, पर जेकर उनके कंज्यूमर भी बढ़ रहे नंबर ऑफ बायर्स तो डिमांड बढ़ जाएगी, घटनते की है जे कंज्यूमर ही नहीं होंगे, सपोज किसी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस चेंज होगी, प्राइस बहुत लो होगी लेकिन नंबर ऑफ बायर्स ही नहीं है तो डिमांड इनक्रीज़ किमें होएगी, तो की है कि प्राइस बढ़ रही है घट रही है, लेकिन उनके लिए नंबर ऑफ बायर्स का होना भी बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ बायर्स जिमें जिमें बढ़ी जाएंगे डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ी जाएगी, नंबर ऑफ बायर्स जिमें घटी जाएंगे डिमांड की है उमें उमें घटी जाएगी। क्लीयर, ये से तुहाडे डिटरमीनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर ऑफ डिमांड्स। तुहानू अज इन्ना ही थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगी तो तुहानू ईजली समझ आता जाए, तुहाडे लई नवां है ना, फिर हौली हौली आप स्पीड की है फास्ट करांगे। कल आप पढ़ांगे हुण लॉ ऑफ डिमांड। हुण देखो ये फैक्टर्स दे विच आपां किन्ने फैक्टर्स किए ने, 5 फैक्टर्स किए ने। ठीक है, लेकिन हुण जिहड़ा लॉ ऑफ डिमांड है उहदे विच आपां पढ़ांगे कि डिमांड ते सिर्फ इक्को चीज़ का इफेक्ट पैंदा प्राइस का, कंज्यूमर एक्सपैक्टेशन हो गया, नंबर ऑफ बायर्स हो गए। ठीक है, उस तो बाद आप जो पॉइंट पढ़े
हाँ जी इनकम ऑफ द कंज्यूमर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इन्हें किसी का भी डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पैंदा। लाफ डिमांड दे विच अपा सिर्फ यही पढ़ के पढ़ांगे कि डिमांड पर सिर्फ एको एक चीज़ इफेक्ट करती है डिमांड नूं वो की है प्राइस। ये अपना लाफ डिमांड विच कल पढ़ांगे, पहला ही फिलहाल तुसी डिटरमिनेंट्स ऑफ फैक्टर नूं ध्यान नाल पढ़ो ते इनू समझन की कोशिश करो। ठीक है, तुसी हुण अपनी वीडियोज़ ध्यान नाल पढ़ना है ते इनू समझन की कोशिश करनी है। हाँ जी कई बुक्स कह रहे हैं तुहानू मैं दस्या सी ना स्टार्टिंग दे विच, देखो तुहानू की है स्टैट दा पार्ट है। ठीक है, दूसरी बुक तुहाडी हैगी है माइक्रो इकोनमी, थर्ड बुक तुहाडी हैगी पंजाब इकोनमी जिंदे विच थोड़े जिहे चैप्टर ने। ठीक है, तुम तीन बुक्स में इकट्ठा करके तीन पार्ट्स ने तुहाडे, पार्ट ए दे विच स्टैटिक्स, पार्ट बी दे विच माइक्रो, पार्ट थ्री दे विच पढ़ांगे आपां पंजाब इकोनमी। तुसीं आर्ट्स वाले बच्चे टी आर जैन की बुक नूं प्रैफर कर लो, ठीक है, मॉडर्न की बुक लै लो। कमर्स वाले बच्चे इंद्र कुमार की बुक लै सकते हो, यूनीमैक्स की बुक लै सकते हो, मैं बार बार कह रही हूँ। बाकी जे तुहानूं कोई होर बुक भी ईजली मिल रही है तो तुसीं कोई भी बुक लै सकते हो, क्योंकि हुण तुसीं टैंथ क्लास तो है नहीं, टैंथ क्लास में जो हुंदे सी उदों तुहानूं हुंदा सी क्लास जिहड़ी मैडम कोल जिहड़ी बुक उही लैनी है, सेम बुक्स हुंदे सी, पर हुण तुसीं प्लस वन दे विच हो गए हो, तुसीं सिर्फ टॉपिक नूं समझना वै, लिखना तो तुसीं अपने तरीके नाल, इकनोमिक्स दे विच की है अपने वाला तो कुछ नहीं लिखना, मैं सिर्फ तुहानूं समझाऊंगी, तुसीं अपनी बिल्डिंग दे विच उहनूं बस लिखते जाना, सिर्फ समझना ही है उस जिहड़ी मर्जी बुक तो, लिखण वास्ते तुसीं जिहड़ी मर्जी बुक नूं रीड कर लो, टॉपिक तां तुहानूं मैं ही समझाना ना, समझण तो बाद तुसीं उहनूं लिखना किवें है वो तुहानूं थोड़ी जिही हैल्प चाहिए किसी बुक की, वो तुसीं कोई भी बुक लै लो। ठीक है, ओके।